तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की कस्टम फॉर्मेटिंग पे। कस्टम फॉर्मेटिंग जो कि मैंने आपको कल उसका आर्टिकल भेजा था पढ़ने के लिए, और कल मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग पे क्लास दी थी कि कस्टम फॉर्मेटिंग आखिर होता क्या है, क्या बेनिफिट्स है वगैरह वगैरह। इसलिए उसकी आर्टिकल को हम खोलते हैं जो कि मैंने बताया था। सबसे पहला आपका आर्टिकल में आता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो टेस्ट। तो चलिए इसको समझते क्या है। आपको याद है मैंने बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ अमाउंट आपने लिखा हुआ है, इस अमाउंट के आगे पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स आप लगाना चाहते हैं। तो हमने आपको कल की क्लास में समझाया था कि यहाँ आप एमआरपी इन्वर्टर कमा में आप जो भी जैसे एमआरपी है, अमाउंट है, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं वो आपको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हम हैश दे देते हैं, राइट। अब जैसे मैं चाहता हूं कि अगर एमआरपी 1500 है, अगर माइनस में अगर 50 हो तो माइनस एमआरपी भी नहीं, यहां पे एमआरपी की जगह डिस्काउंट आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करें इसके लिए? तो यहां हम जो है यहां पे से एमआरपी हैश किया, हम जो है सेमी लेंगे और यहां से डीएस और फिर हैश या जीरो जो भी देना है। तो क्या हुआ कि देखिए जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो आप चाहते हैं इसके जगह पे कुछ भी आए, तो इसमें चार काम होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया एम आर पी, मैंने यहाँ पे डाल दिया डिस्काउंट, तो डालना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट है। आवाज थोड़ी कट रही है। डिस्काउंट और यहाँ पे डाल दिया फ्री, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सर आवाज थोड़ी कट रही है। प्रॉब्लम है यार, सिर्फ आवाज नहीं आ रहा बराबर सर, आवाज बराबर नहीं आ रहा है, कुछ मिनट डिस्चार्ज हो गया, एक मिनट दीजिए। हेलो, ठीक है सर। हेलो, आवाज ठीक है मेरी? हाँ अभी सर ठीक है। हेलो सर, आपको हमारी नहीं आ रही क्या? आपको हमारी नहीं आ रही आवाज? हेलो पुनीत जी, मैं आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। इनको हमारी नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है, आवाज भी ठीक है सर, देख नहीं पड़ रही है? हाँ अभी सर ठीक है। नहीं नहीं अभी ठीक है। वो मैं ब्लूटूथ डिस्चार्ज सुबह से है ना सर, तो डिस्चार्ज हो गया लग रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने एमआरपी डिस्काउंट फ्री और यहाँ पे नॉट लिख दिया ना सर। कहता है आपका कि पहला पोजीशन आता है पॉजिटिव का, तो चलना था कि जो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा उस पे एमआरपी शो होगा। दूसरा कहता है निगेटिव का,
अगर ये 150 पे नेगेटिव होगा तो एमआरपी 109 के डीआईएस 100 होगा, ठीक है, डिस्काउंट 100 होगा। और तीसरा जीरो, अगर इसमें जीरो हुआ तो ये फ्री वाला शो होगा। अगर कोई टेक्स्ट हुआ किसी तरह का अल्फाबेट हुआ तो यहाँ पे नॉट शो होगा। ओके इसमें अगर फी इसमें तो यहाँ देखिए एमआरपी आ रहा है, माइनस में कर दिया तो डिस्काउंट, जीरो कर दिया तो फिरो, और कुछ डाल दिया तो नॉन। देखिए मुझे इसके साथ इसका ये चाहिए, मतलब नंबर भी शो होना चाहिए, तो जीरो या हैश आप यहां पे डाल दीजिए सेमीकोलन से पहले। और टेक्स्ट के लिए हमेशा एट द रेट होता है, तो यहां आप एट द रेट डाल दें तो आपका नंबर भी शो होगा। ये समझ में आया कि नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो क्या होता है? सर एक चीज पूछनी थी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो जो है ये ऑटोमेटिकली इसमें इनबिल्ट है, हम कोई और भी कुछ कर सकते हैं इस पे? सर देखिए ये आपका इसका पोजीशन इनबिल्ट है, इनबिल्ट है, ठीक है ना, पोजीशन इसका इनबिल्ट है, लेकिन आप जो है इसके जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, इन्वर्टर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना उसके जगह पे कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, मैं एक अटेंडेंस सीट बना रहा हूं, मैं यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम मान लीजिए डेट दे देते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा बायोमेट्रिक डेटा आया हुआ है, ठीक है, मुझे कि स्कैन करके आया हुआ है, तो जिसने जितना बार कार्ड को पंच किया है उसका यहां पे उतने बार नंबर्स आ गया। मुझे क्या करना है कि इसमें जो जीरो है, इसमें जो जीरो है, जीरो को अब्सेंट, मतलब कि जीरो होता है कि एक बार भी कार्ड को पंच नहीं किया, इट मींस वो अब्सेंट होगा, और जो नंबर्स है उस नंबर्स को पॉजिटिव में मैं मुझे एक मैं कन्वर्ट करना है। समझे? तो कैसे करेंगे, वो सिलेक्ट करते हैं कस्टम, और यहां पे हम पी पॉजिटिव के लिए पी, और नेगेटिव इसमें नहीं है तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, और यहां पे हम दे देते हैं जीरो के लिए अब्सेंट सेमीकोलन, और बाकी टेक्स्ट वगैरह इसमें है ही नहीं तो मैं इतना ही डालता हूं। मतलब चारों डालना जरूरी नहीं, जितना आपको जरूरत हो उतना डाले, बट सिक्वेंस में जैसे मुझे जैसे सीरियली होता है वो सही डालना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो जरूरत पॉजिटिव और जीरो की थी, लेकिन मुझे बीच में नेगेटिव आया तो नेगेटिव को ही फॉलो करना पड़ा मुझे, उसके लिए ब्लैंक छोड़ दी तो स्किप हो गया। नहीं, ब्लैंक छोड़ देने से होगा ना, नजर ना नेगेटिव होगा, ब्लैंक छोड़ने से स्किप हो जाएगा। देखिए हो गया सर, समझ में आया आपको कि नहीं सर? हाँ जी, हाँ जी। अब आर्टिकल कहता है कि एक कलर भी कर सकता है, ठीक है, कलर आप बता रहा है ब्लू, तो मैं चाहता हूं कि जो अब्सेंट है वो रेड कलर का हो जाए, तो मैंने इसको फॉर्मेट से लिया और अब्सेंट के आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रेड लिख दी। इसमें सर सेमी कॉलम का यूज ये हुआ कि हमारा जैसे फॉर्मूला आप लगाते हैं तो फॉर्मूला एक इनपुट से दूसरे इनपुट के लिए क्या यूज होता है? सेमी कॉलम यूज होता है ना, ऐसे यहाँ सेमी कॉलम है, ठीक है। और ये सेमी कॉलम कहाँ कहाँ आता है, मतलब कोई लॉजिक है या वैसे ही इसमें है? नहीं, ये है आपका कि कस्टम फॉर्मेटिंग में कोई भी आप कोड डालेंगे, सिंपल सी बात समझिए ना, कस्टम फॉर्मेटिंग में कोई भी कोड डालेंगे आप,
आप अगर चाहते हैं कि नेगेटिव के अलग कोड हो, पॉजिटिव के अलग कोड हो, तो आपको सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि हमने 0.00 कर दिया और बोला ग्रीन, अगर मैंने इसको डाल कर छोड़ दिया सिर्फ, तो क्या होगा, कोई भी नंबर डालूंगा तो वो 0.00 लग जाएगा और साथ में ग्रीन हो जाएगा, राइट। मैं चाहता हूं कि अगर मैं माइनस में लिखूं तो वो ग्रीन ना हो, रेड हो जाए, माइनस सिंबल दे दे, तो फिर यहां सेमी कॉलन और मुझे यहां पे रेड और 0. माइनस का सिंबल दे देता हूं, माइनस 0.00 होना चाहिए। और समझ आया सर आपको? अब इसमें क्या है, हेलो हेलो मैं ना आपको कि क्या है ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है आखिर क्या? जो कोड आप डालते हो, कोड किसके लिए काम करे? अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए काम करवाना चाहते हो सिंगल दे दीजिए, ये पॉजिटिव के लिए अलग काम करे, नेगेटिव के लिए अलग काम करे, जीरो के लिए अलग काम करे, टेक्स्ट के लिए अलग काम करे, तो इस प्रोसीजर को फॉलो करना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो टेक्स्ट इसी सीक्वेंस में। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लू है और इसने यहाँ पे 1000 से पहले डेसिमल लगा दिया, फिर इसने रेड किया, रेड में उन्होंने इस पे लगाया, फिर जीरो पे जीरो किया और टैक्स के लिए सेल कर दिया। उसके बाद बताता है कि इतने जो सैंपल्स हैं आपके, इसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आप डाल सकते हैं, और जीरो हैश नंबर के लिए होता है, एट द रेट जो होता है टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम, कंपनी नेम लिखता हूँ, और कंपनी नेम बार बार क्या होता है कि मुझे m/s लगाना पड़ता है, मैं चाहता हूँ m/s अपने आप लग के आ जाए, तो ये टेक्स्ट है तो हमें यहाँ पे m/ इन्वर्टर कॉमा में m/s लिख के और फिर एट द रेट कर देंगे, कोई भी जैसे कि हमने कोई भी नाम लिखेंगे तो m/s ऑटोमेटिक लग जाएगा। जैसे से एड्रेस की मैं बात करता हूँ कि मेरा सबका मतलब कि सिटी और पिन नंबर सबका एक ही है, तो मैं यहाँ पे एट द रेट लगाया और हमने न्यू दिल्ली 11062, हमें कोई भी एड्रेस लिखूंगा आप नीचे शो कर देगा, ले रहे? जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है कोई पासवर्ड इसमें डालना है, राइट, तो कस्टम में मैंने यहां पे सिर्फ एक स्टार लगा दिया, एक माफ कीजिए दो स्टार लगा था, स्टार हमेशा दो बार आता है, तो मैं यहां पे कोई भी नंबर डाल के एंटर मारूंगा तो पासवर्ड दिख रहा है सर, टेक्स्ट नहीं होगा सर, सिर्फ नंबर में वर्क करता है, टेक्स्ट नंबर नहीं वर्क करता है, दे रहे जी। तो उसके लिए मैंने 00 लिया, सेमी कॉलन, अगेन डबल स्टार, सेमी कॉलन, अगेन डबल स्टार, सेमी कॉलन एंड अगेन डबल स्टार, मैं करके देखता हूं, तो यहां नंबर के डाला तो नंबर तो बन गया, बन गया, समझ गया? तो यार सिर्फ नंबर पे वर्क किया, अगर मुझे स्टार ही शो करना है तो हमें इस तरह से चार सेमी कॉलन के साथ देना है, तो टेक्स्ट को भी समझ लेगा कि ये स्टार देना है, ओके? तो सीक्वेंस में दिया इसके लिए। जी हाँ जी, अब इसकी बात आता है, हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, स्टार की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई अमाउंट लिखता हूँ और ये जो जगह बचा हुआ है ना, इस पे अपने आप स्टार लग जाए,
या कोई ऐसा करेक्टर मिल जाए, तो इसके लिए आपको एट द रेट देना है और स्टार दो बार देना है। अब एक स्टार होना चाहिए, उसके बाद अगर डैश देना चाहे तो डैश आ जाएगा। आ गया ना, क्लियर है सर? या स्टार लगाना चाहो, मैंने प्रिंटिंग का एक सॉफ्टवेयर बनाया था ना, उसमें मैंने इसका यूज किया था, एक फॉर्मेट बनाया था, सॉरी। तो एट द रेट यहां पे वर्क करता है। उसके बाद बाकी नॉर्मल है जो मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, थाउजेंड सेपरेटर वगैरह। हाँ, इसमें कलर जैसे बात हुई थी, तो कलर के आप इतने कोड डाल सकते हैं, कलर कोई भी कलर नहीं डाल सकते। ये जो कलर लिस्ट है, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, येलो, श्यान, रेड, इन्हीं कलर में से कोई कलर डाल सकते हैं, सारी कलर आप नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, कंडीशन डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि आप चाहते हैं कि मेरे सिलेक्टेड सेल में, हमने आप यूज कर लिया, तो अगर लेस देन 100 हुआ तो रेड आएगा, ग्रेटर देन 100 हुआ तो ब्लू आएगा। तो इसके इसके जगह पे आप अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल में वही नॉर्मल है जो कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई और खास नहीं। तो आज जो मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग का जो और भी ट्रिक्स थे, वो ट्रिक्स हमने आपको कवर कर दिया। लक्ष्य जी, आपको आई थिंक ये समझ में नहीं आई होगी क्योंकि आपने कल की क्लास को नहीं समझा है, लेकिन आपने आवर की रिकॉर्डिंग देखी थी? सर मैं देख नहीं पाया, बहुत बिजी था थोड़ा, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत है। सर काम तो है, ऑफिस में काम है और काम ज्यादा है, अच्छी बात है, सलामत है, काम रहेगा तो नौकरी रहेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ इसको भी करना होगा ना। तो ये सारे टॉपिक जो आपकी छूट गई है वो 5 घंटे वाली रिकॉर्डिंग में इंक्लूडेड है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आजकल में बैठ कर देख ले, ताकि इस बैच के बराबर आ जाए। ठीक है सर। ठीक है सर, तो आप लोग जो है कस्टम फॉर्मेटिंग पे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे 10 एग्जांपल कस्टम फॉर्मेटिंग का दीजिए जिसको मैंने यूज नहीं किया है, समझिए। अगली टॉपिक हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जो कि हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक के साथ नहीं कर रहा हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको हम आगे और भी चीजों पे डिस्कस करेंगे आपके साथ, जैसे कि फॉर्मूले वगैरह होगा और माइक्रो वगैरह होगा, सब में इसको डिस्कस करेंगे। सो प्लीज इसको एक बार अपने एंड से देख लीजिए, राइट? जी सर, वो कल की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या सर? ठीक है, मैं देखता हूँ, अपलोड करके भेज देता हूँ। ठीक है सर, ओके, बाय, गुड नाइट। Good night.